नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने खुद के पेशेंट से एक्सपीरियंस किया है, कंक्लूड किया है कि जो फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं उनका इन्फेक्शन या तो जल्दी ठीक नहीं होता है या फिर बहुत जल्दी आसानी से रिपीटेडली आ जाता है। सो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेजॉरली दो मेन रीजंस हैं जिसके वजह से उनका फंगल इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक नहीं होता या फिर दोबारा से आ जाता है। तो सबसे पहला रीज़न है उनका जो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कोर्स ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन, वो पेशेंट्स पूरा नहीं करते हैं। अब इसके भी दो रीज़न हैं। सबसे पहले ये, या तो उनको कुछ दिन में रिलीफ हो जाता है इसलिए वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं मेडिसिन लेना, या फिर सेकेंड है पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। ऑब्वियस बात है कि स्किन ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, उतना खर्चा नहीं कर पाते, इसलिए वो उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। बट नतीजा इसका ये निकलता है कि आपका इन्फेक्शन दोबारा से आ जाता है या फिर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है। सेकेंड रीज़न जो है वो है डॉक्टर्स मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसके साथ साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो आपको घर पे फॉलो करना होता है, सेल्फ़ केयर रूटीन के तरीके से, सेल्फ हाइजीन, सेल्फ क्लेनलीनेस और काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो पेशेंट्स फॉलो नहीं करते या नहीं कर पाते, तो उसके वजह से भी आपका ट्रीटमेंट पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं होता है। सो दोस्तों, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको कोर्स पूरा करना होता है, जब तक कि आपको डॉक्टर्स ना बोले कि आपको मेडिसिन डिसकंटिन्यू करना है तब तक आप उसे लेते रहें, और सेकंड जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं वो आप अच्छी तरह से फॉलो करें तो ही आप इसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर पाएंगे। सो दोस्तों, अब मैं फटाफट बता देती हूँ कि डॉक्टर्स कौन से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और लास्ट में मैं बताऊँगी कि कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना होता है जिसके वजह से आप फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक कर सकें। तो दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स यूजली 4 to 5 फॉर्म्स में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इट कैन बी लोशन, इट कैन बी क्रीम, पाउडर, ओरल मेडिकेशन, सोप एक्सेट्रा। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रीम के बारे में। क्रीम में आपको मिकोनोसोल दे सकते हैं, टबिनाफीन, क्लोट्रिमेजोल, सो इनमें से कोई भी एक एंटी फंगल क्रीम आपको वो देते हैं लगाने के लिए। सेकेंड है लोशन। लोशन में यूजुअली केटोकोनोजोल लोशन प्रेफर करते हैं 2% में, जो कि डॉक्टर आपको डेली लगाने के लिए देते हैं, सच एज़ जैसे आप बॉडी वॉश को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, इस लोशन को भी आपको पूरे बॉडी पे अच्छे तरीके से लगाना होता है, 2 से 3 मिनट उसे छोड़ देना होता है, एंड देन आपको गुनगुने पानी से अच्छे तरीके से बॉडी को वॉश करना है। इसे आपको स्टार्टिंग में डॉक्टर्स डेली लगाने के लिए देते हैं, एंड देन एज़ पर योर रिलीफ, एज़ पर योर कंडीशन उसको टेपर ऑफ करते जाते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर्स आपको पाउडर फॉर्म में क्लोट्रिमेजोल देते हैं, जो कि आपको अपने बॉडी पर डस्ट करना होता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है उनको पाउडर देते हैं सो दैट दे कैन कीप देयर स्किन ड्राई, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है ओरल एंटी फंगल मेडिसिन। यहाँ पे अगेन डॉक्टर्स टर्बिनाफिन, फ्लुकानोजोल, ग्रीसियोफलवीन, इट्राकोनोजोल, डिपेंड ऑन डॉक्टर एंड पेशेंट कंडीशन वो ड्रग ऑफ चॉइस करते हैं, जिसका ड्यूरेशन 4 वीक्स से लेके 6 वीक्स तक भी हो सकता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। कुछ डॉक्टर्स अगेन एंटी फंगल सोप्स भी देते हैं, कीटोफैप, कीटोस्टार, जिसमें कीटोकोनोजोल होता है, एलोवेरा होता है, ग्लिसरीन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट। सो दोस्तों, ये हो गए एंटी फंगल मेडिसिन। एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया कि डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को यूज़ करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सो गाइज, आप इन पॉइंट्स को आराम से पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करना होता है अगर हमें फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ जाके आप देख लें। इवन इफ़ यू वांट मी टू रिपीट दैट पॉइंट्स, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर। सो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और प्लीज़ जो भी आपके आसपास आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स में अगर कोई है ऐसा जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो प्लीज़ उससे
ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, या फिर आप उन्हें ज़रूर बताएं कि आपको दवाइयों के साथ साथ इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना है, उन्हें भी एडवाइस करें और लेट देम गेट रिड ऑफ दिस फंगल स्टबर्न इन्फेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।